हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कुमार एंड टुडे टॉपिक इज कंप्यूटर हार्डवेयर। इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज अ डेटा रिजल्ट दैट रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या होता है? वो रिजल्ट होता है जो प्रोसेसिंग के बाद हमें प्राप्त होता है, और जो डिवाइस रिजल्ट को प्रोड्यूस या शो या रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट दो तरह से होता है, एक हार्ड कॉपी होता है और एक सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी का मतलब रिजल्ट दैट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म। पेपर पे जो रिजल्ट प्रिंटेड फॉर्म में दिखे वो हार्ड कॉपी होता है, और सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखे उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर या फिर मोबाइल या किसी भी डिवाइस के थ्रू हम उसको देखें, ऐसे रिजल्ट को या आउटपुट को हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यहाँ पर कुछ एक कॉमन आउटपुट डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं वो है प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड मॉनिटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये एक तरह का कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट को पेपर पे प्रिंट करने के काम में आता है। प्रिंटर से हम लोग छोटे छोटे फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर का जो क्वालिटी है, प्रिंटर वो किस चीज़ पे निर्भर करता है कि प्रिंटर कैसा है, तो प्रिंटर जो है उसका टाइप किस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है देखते हैं। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटर का क्वालिटी जो होता है, कुछ प्रिंटर पूरी तरह साफ प्रिंट नहीं करते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स, और कुछ प्रिंटर पूरे साफ साफ प्रिंट करते हैं, यानी कि जो पिक्सल्स है, जो क्वालिटी है प्रिंटिंग का, वो क्लियर विजन में दिखे, दैट इज़ कॉल्ड गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। दूसरा होता है स्पीड। जब प्रिंटिंग हो रहा हो तो वो कितने देर में किसी भी कैरेक्टर को, लाइन को या फिर पेज को प्रिंट करता है, ये बताता है उस प्रिंटर के स्पीड को। प्रिंटर के स्पीड को तीन तरह से मेजर किया जाता है। एक CPS, CPS स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा PPM, पेज पर मिनट, एंड तीसरा LPM, लाइन पर मिनट। तीसरा है प्रिंटिंग मैकेनिज्म। जब प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा हो तो वो कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहा है? स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, या फिर लेजर मैकेनिज्म यूज कर रहा है, या स्प्राइंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, ये भी हमें बताता है कि प्रिंटर कैसा है। आइए हम लोग देखते हैं प्रिंटर के टाइप्स। मेनली प्रिंटर दो तरह का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आर दोज प्रिंटर इन विच देयर इज अ मैकेनिकल टच बिटवीन प्रिंटर हेड एंड अ पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंटर हेड, प्रिंटर का जो हेड होता है और जो जिस पेपर पे प्रिंटिंग करना है उस पेपर के बीच में टच होता है, ऐसे प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के हेड और पेपर के बीच में कोई टच नहीं होता है। ये एक स्पेशल टेक्निक जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट टेक्निक, थर्मल टेक्निक या लेजर टेक्निक का यूज करके ये प्रिंटिंग का काम करता है। तो प्रिंटर के दो प्रकार हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में भी दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक लाइन प्रिंटर
दूसरा कैरेक्टर प्रिंटर। और नैन इम्पैक्ट में दो तरह के हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। चलिए दूसरा डिवाइस हम लोग देखते हैं, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। जो हम लोग बोलते हैं माइक में या फिर जो सॉन्ग्स हम लोग बजाते हैं उसको ये क्या करता है, हाई वॉल्यूम में या हाई वेव्स के थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करके दिखाता है। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि स्पीकर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट प्लॉटर। प्लॉटर भी प्रिंटर के तरह ही एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ सिमिलर लाइक प्रिंटर, बट प्लॉटर जो है ये बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स या हाई डिफिनेशन ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेनली कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है फॉर प्रिंटिंग बैनर एंड फ्लैक्स। जो होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं बड़े बड़े रोड के साइड्स में, वो सब प्रिंटिंग के काम में ये प्रिंटर का यूज करते हैं। तो प्लॉटर देखते हैं हम लोग चार तरह के होते हैं, एक फ्लैट पेड प्रिंट प्लॉटर, दूसरा ड्रम प्लॉटर, तीसरा माइक्रोग्राफिक प्लॉटर और चौथा इंकजेट प्लॉटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। इसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का साइज मेनली 14 to 24 तक आता है, जो नॉर्मली हर जगह यूज होता है। और इससे भी बड़े बड़े साइज़ के मॉनिटर आजकल यूज हो रहे हैं, जैसे 48 इंच या फिर 50 इंच, कहीं कहीं तो 74 और 91 इंच के भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटर यूज होने लगे हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं मॉनिटर जो है वो हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करने के काम में आता है। और ये मेनली दो तरह का होता है, एक होता है CRT मॉनिटर और दूसरा होता है TFT मॉनिटर। और यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है LCD। LCD जो मॉनिटर है दैट इज़ द पार्ट ऑफ TFT मॉनिटर। TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ हम लोग देखते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। CRT मॉनिटर जो होता है ये पिक्चर ट्यूब मॉनिटर होता है। इसमें एक बैक साइड में पिक्चर ट्यूब होता है जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब बना होता है और वहाँ से बैक साइड से कैथोड रे एक गन से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से स्क्रीन पर आता है और वो स्क्रीन लाइट करता है और हमें पिक्चर दिखता है। यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी होती है CRT की वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और जब हम CRT मॉनिटर को अपनी आँखों से देखते हैं तो हमारे आँखों पर प्रेशर्स पड़ता है, जोर पड़ता है, जिससे आँख खराब होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरा मॉनिटर होता है LCD। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि LCD जो क्या है वो TFT मॉनिटर का पार्ट है। तो TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, पतला मॉनिटर जिसको बोलते हैं हम लोग, जो ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है LCD और दूसरा होता है LED। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ आपको नीचे दिख भी रहा है, Nowadays LED light emitting diode monitors are common in use which also use TFT। अभी हमने बताया TFT के दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर LCD जो है वो TFT का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर जो स्क्रीन है वो क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। स्क्रीन के अंदर क्रिस्टल्स लिक्विड्स के फॉर्म में भरे होते हैं और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करते हैं तो वो क्रिस्टल्स चमकता है और हमें स्क्रीन पर दिखता है। ये CRT मॉनिटर से थोड़ा सा महंगा होता है, बट ये आँखों के लिए अच्छा होता है। इस पर
हम लोग देखते हैं तो ये आँखों पर प्रेशर नहीं डालता है। लेकिन इस स्क्रीन का भी एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग स्क्रीन पर सामने से देखते हैं तो इसका पूरा विजन हमको दिखता है, लेकिन हम लोग जब एंगल्स 240 से आगे जाएंगे डिग्री एंगल से, तो इस पे हम लोग को निगेटिव पिक्चर्स दिखेगा, मतलब पिक्चर्स धुंधला ब्लैक कलर का दिखेगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस किया गया है एलईडी मॉनिटर से, जो कि एक तरह के डायोड से बना हुआ मॉनिटर है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। आजकल एलईडी मॉनिटर ही हर जगह यूज हो रहे हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे आप लोग अपने फेयर्स कॉपी में बना लेंगे, और बनाने के बाद आप इसे फ़ोटो खींच कर हमें भेजेंगे। और इस चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें। थैंक यू।